हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के प्रभारी डॉक्टर प्रबल चौहान ने कहा है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत कुल्लू मंडी और लाहौल स्पीति के बागवानों के लिए जोनल स्तर की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में फाइनेंशियल अवेयरनेस के विषय में किसानों बागवानों को संपूर्ण जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बागवानी विकास परियोजना में हाई डेंसिटी प्लांटेशन की क्लोन बेस्ट एप्पल की प्लांटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें सेब के साथ स्टोन सूट नेट को लेकर जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास जगह कम रह गई है और कम जमीन में ज्यादा फायदा बागवान कैसे ले सकते हैं, उसको लेकर विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केसीसी कृषि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को बैंक के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, जिससे किसानों बागवानों को किसानी बागवानी करने के लिए बैंक द्वारा लोन मुहैया करवाया जा रहा है। हमने किए ये बागवानी विकास परियोजना है जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसके अंतर्गत हमारे जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में हम अपने अधिकारियों को और किसानों को यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं। जोनल लेवल इसलिए है क्योंकि इसमें हमने 3 जिलों के बागवान और किसान बुलाए हैं, जिसमें मंडी है, कुल्लू है और लाहौल स्पीति के हैं। तो हमारे अधिकारियों को भी हम अवेयर कर रहे हैं ताकि वो, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि परियोजना में हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, क्लोनेड वेस्ट जो हमारी कल्टीवेशन है एप्पल की और स्टोन फ्रूट्स की और नट क्रॉप्स जैसे वॉलनट्स हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा डिवीजन ऑफ लैंड्स हो रहा है और छोटी छोटी हमारे पास जमीनें रह गई हैं, तो उसमें हमारी जो खेती है वो कॉस्ट इंटेंसिव हो गई है। हमने कम जमीन से ज़्यादा फायदे वाली खेती कैसे करनी है, तो वो हमें बहुत एक उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो किसानों को हम ये जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से बैंक उनकी सहायता कर सकते हैं, वो लोन ले सकते हैं। केसीसी के बारे में सभी अवेयर हैं, लेकिन केसीसी से ही हमारी हर तरह की जो एक रिक्वायरमेंट होती है खेती करने के लिए वो पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए परियोजना के अंतर्गत ये घटक है जिसमें इनको फाइनेंशियल लिंकेजेस हमने बनानी है बैंक्स के साथ और लोगों को फैसिलिटेट करना है। तो उसी मद्देनजर उसी उद्देश्य से ये हम वर्कशॉप कर रहे हैं। जो मेन जो हमारे 4 प्रकार के उद्देश्य रहे हैं इसमें, जैसे हमने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमने पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और चौथा ये था कि हमने अपने टेक्निकल और साइंटिफिक और जो लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उनको सशक्त करना है, और विभाग की जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनको हमने डिजिटाइज करना है। हमारा ई उद्यान पोर्टल बना है जो किसान जो है वो अपने मोबाइल से ही हमारे प्रदेश में जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो भी स्कीम चला रहे हैं, चाहे वो केंद्र से संबंधित है या स्टेट से है, हर सुविधा का फायदा जो है वो हमारे पोर्टल से ले सकता है। बाकी परियोजना के स्पेसिफिक में ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमने 261 जो क्लस्टर हैं पूरे स्टेट में हमने बना लिए हैं, और हमारे 15 साइट्स जो हैं वो HPMC की, जिसमें हमारी कोल्ड स्टोर और जो हमारी भंडारण क्षमता को हमने बढ़ाया है इसमें, और 15 साइट्स पे हमारा काम लगभग कंप्लीट है। उसमें हम 80% कार्य जो है वो सिविल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, मशीनरीज है वो हमने कर दिया है, और जो हमारा मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें 6 जो मार्केट यार्ड्स हैं उनको हमने इम्प्रूव किया है, अपग्रेड किया है, और 3 जो हमारी हैं वो नई साइट्स हैं जो हमने नई बनाई हैं, तो इसलिए जो है उनका भी कार्य हमारा चल रहा है। तो लगभग हम ओवरऑल अगर करें तो हमारा 80-90% कार्य जो है वो परियोजना का हो गया है, और प्रदेश सरकार जो है वो इसमें 1 साल की अवधि की जो एक्सटेंशन है वो चाह रही है, तो देखते हैं, वो भारत सरकार पे है। अभी हमने केस इसमें चला दिया है और हम अच्छे इसके परिणाम हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जून 23 इसका एंड पीरियड है तो हम 99% जो है वो कर ही लेंगे। तो थोड़ा 10% का रहता है, वो हिमाचल का आपको पता है कि क्लाइमेट का भी यहाँ रहता है, हमारी ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे सिविल कार्य करना भी मुश्किल होता है जब बहुत ठंड होती है यहाँ पे, तो वो हमारा एक रहते हैं ऐसे चैलेंजेस। तो उसके मद्देनज़र हम चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा एक्सटेंशन मिले, लेट्स सी, वो अभी हम बोल नहीं सकते, अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं।